अगली बड़ी खबर का मैं रुक कर रही हूँ। किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी सांसद हैं कंगना रनौत, उनका एक बयान और उसी बयान पर अब विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने निशाना साध दिया है, कह रहे हैं बीजेपी वालों को किसानों से इतनी नफरत क्यों है, बीजेपी ने हमेशा झूठ फरेब साजिश की राजनीति की। ये कहना है रणदीप सुरजेवाला का। अन्नदाताओं पर कंगना ने अनर्गल आरोप लगाए, क्या कंगना के शब्द थे या कॉपी किसी और ने लिखी। देखिए किस तरीके से कंगना के शब्दों के जरिए निशाना सीधे सीधे बीजेपी पर साधते हुए अपने इस बयान के जरिए रणदीप सुरजेवाला नजर आ रहे हैं। तो आपके मन में ये बात आ रही होगी कि आखिर कंगना ने वीडियो में क्या कहा, किसान आंदोलन को लेकर क्या बोला। एक बार सुप्रिया सुनीत की ओर से पोस्ट किए गए कंगना का वो बयान सुनिए। पहले जो बांग्लादेश में हुआ ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी, अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व तो जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते। यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे, और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे, तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहां बैठे हुए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहां काम कर रही हैं। और ये फिल्मी लोग हैं, इनको लगता है कि इनकी दुकान चलती रहेगी अगर देश चाहे जाए भाड़ में। ऐसा नहीं होता है। देश अगर भाड़ में जाएगा तो आप भी साथ में भाड़ में जाएंगे। ये बात जो है इनको रोज रिमाइंड करानी चाहिए। पर खैर, जितने इनकी बुद्धि है उतने ही इनकी करतूतें भी हैं। तो ये वो बयान कंगना रनौत का, जिसके बाद अब कांग्रेस के निशाने पर कंगना रनौत और पूरी बीजेपी आ गई है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।